जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 में। सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन जहां 3 मई तक है, वहीं एक फरमान आया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। इस इलाके में जो भी यूपी बिहार के लोग रहते हैं, अगर वो अपने गांव लौटना चाहते हैं तो उन्हें फ्री सेवा प्रदान करेंगे। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 18 के काउंसलर सर, क्या आदेश आपको मिला है यहाँ पे? नमस्कार जी, मैं संदीप शर्मा काउंसलर वार्ड नंबर 18। तो 2-2.5 घंटे पहले मुझे पुलिस प्रशासन विजयनगर चौकी इंचार्ज सरदार गुरजीत सिंह जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा जो भी हमारी वार्ड में प्रवासी यूपी बिहार के रहते हैं उनको घर भेजने की व्यवस्था, परसों एक ट्रेन चलाई जाएगी। उनका आधार नंबर डाल के उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर और कहाँ जाना चाहते हैं वो यूपी बिहार जो भी स्टेट हो वहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात हम जान लेते हैं इन्हीं से, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं। सर, कोरोना का अगर ट्रेन में ऐसे हम भेजेंगे, सरकार का फरमान है, आपके एक काउंसलर के नाते नहीं, एक बुद्धिजीवी नागरिक के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, ये सही कदम है क्या? देखिए, जो जो पंजाब यूपी बिहार के लोग यहाँ में आके बसे हुए हैं वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर पिछले दिनों से हमें फेस करना पड़ रहा है। इनको हमें हर फैसिलिटी देनी पड़ रही है और सरकार ने जो जो कदम उठाया ट्रेन सैनिटाइजर करके, और उसमें जो आदमी जाएंगे सफ़र करने के लिए उनको भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जाएगी, और जहां तक ये ट्रेन जाएगी यूपी बिहार तक, वहां तक उसमें सरकारी आदमी मुहैया रहेंगे और रास्ते में हर तरह की चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। चलिए, हम जानते हैं कि अब तक इनके पास कितनी ऐसी लिस्ट पहुंची है। जैसा कि हमारे पास सूचना आई थी लाइव अमृतसर के पास कि दोपहर को नियर अबाउट 250-300 के लोग यहाँ पे जमा हुए थे, लोग यहाँ पे आए थे जिनके आधार कार्ड नंबर इन्होंने लिए हैं और प्रशासन को सौंपे। कितने लोगों की लिस्ट आपने तैयार कर ली है, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? अभी जो मेरे ख्याल 15-20 मिनट पहले ASI हरजिंदर सिंह और ASI करम सिंह जी मेरे पास आए थे, मेरे ख्याल 450-500 आदमी की वो लिस्ट ले जा चुके हैं और मैं बाकी उनको 100-150 आदमी की लिस्ट कल दूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो यूपी बिहार के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं वो अपने घर सेफ साइड में पहुँच सकें। सबसे बड़ी बात, हम एक बात और भी जान लेंगे कि यूपी बिहार की बात करें, अगर हम पंजाब की बात करें तो यूपी बिहार बहुत पिछड़ा है। अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें, मेडिकल सहूलतों की बात करें, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर ये सेफ रहेंगे? क्योंकि आटा वगैरह तो आप दे ही रहे हैं, राशन दे ही रहे हैं, तो क्या इनको ज़रूरत है वहाँ पर इसी दौरान 3 मई के पहले भेजने की, स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की? देखिए, ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं उन्होंने किया कि जो 3 मई तक रहेगा कि उससे आगे भी जा सकता है। इसलिए जो यहाँ के प्रवासी, चाहे यूपी के चाहे बिहार के, यहाँ पर रह रहे हैं, उनको वो खुद कह रहे हैं हमें पास आके कि हमें हमारे घर तक, हमारे घर पहुँचाया जाए। इसलिए मैंने ये पहल की और प्रशासन की तरफ से जब भी ये संदेश आया, मैंने पहल के आधार पे अपनी सुबह सारी टीम लगा के यहाँ पे 10 आदमी बिठा के लिस्ट तैयार की और उनको दे दिया। और मेडिकल की तरह से जैसे यूपी बिहार के आदमी हैं वहाँ पे, वहाँ के सरकारों का, जैसे हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जहाँ पे जो उनसे बढ़िया से बढ़िया एफर्ट बन पा रहा है वो कर रहे हैं पंजाब के लिए, इस तरह ही मैं यूपी बिहार के CM को अपील करूँगा कि जो लोग यहाँ से जाएंगे उनका भी और अपनी स्टेट का पूरा ध्यान रखें। तो ये थे वार्ड नंबर 18 के पार्षद, और हम लोगों से जानेंगे जो यूपी बिहार से हैं, क्या वो अपने गांव जो लौटना चाहते हैं, यहाँ पे राशन वगैरह मिल रहा है क्या बाबू? हाँ, मिल रहा। तो आप गांव लौटना चाहते हो? जो मिलेगा, जब तक यहाँ हड़ताल चलेगी जब तक तो रहना ही पड़ेगा। जब तक अगर ट्रेन स्पेशल चलती है तो गाँव लौटेंगे? जब देखी जाओगी फिर बाद में। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि गाँव लौटेंगे नहीं। हम बहन जी से बात करेंगे। बहन जी, राशन मिल रहा है आपको? हाँ सर, एक बार मिला था, 5 किलो आटा मिला था, 1/2 किलो चावल, 1 पैकेट नमक, इतना मिला था। आज 10-12 दिन हो गए। तो अब आप लौटना चाहते हैं अपने गांव? नहीं सर, हम गांव का किस तरह जाएंगे यहां से? चलिए, जिस तरह यहां पे हम बात किए यहां के पार्षद जी और यहां के लोगों से, सबसे बड़ी बात, जब जिला प्रशासन और यहां यूं कहें कि सरकार का जो फरमान है वो तो मानना ही पड़ेगा, सबसे बड़ी बात कि जो यहां के पार्षद है वो यहां पे लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार जो उनको यहां पे राशन मिलता है वो वितरित भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राशन वितरित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ट्रेन चलती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सावधानी से इन लोगों को घर पहुँचाया जाना चाहिए। फरमान जो भी जारी हो, सरकारों ने जारी किया होगा, गाइडलाइन जो भी जारी है उसका पालन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर, देखते रहे लाइव अमृतसर। जय हिंद जय भारत। वार्ड नंबर 18 में जहां आज लोगों के नाम पते लिखे गए हैं, आधार कार्ड नंबर लिया गया है कि गांव लौटना है और 3 दिन बाद स्पेशल ट्रेन चलेगी, तो ये लोग भी वहां पे अपना नाम पता लिखा के हैं। तो गांव लौटना चाहते हैं, कहां के रहने वाले हैं आप? जी, बिहार के रहने वाले हैं, बेतिया जिला। तो गाँव लौटना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों, वजह क्या है? यहाँ खाना नहीं मिल रहा है? खाना नहीं मिल रहा हम लोग को, राशन वासन नहीं मिल रहा है। जब 22 तारीख से हम बैठे रहे, रोम मालिक भी से पैसा भी लेकर खा लिए हैं, अब पैसा बिल्कुल हमारे पास नहीं है राशन वासन का, इसीलिए लौट रहे हैं। हाँ, राशन मिले तो फिर नहीं जाओगे?
नहीं, फिर भी जाना चाहते हैं हम लोग, गाँव जा लौटना चाहते हैं जी। तो जैसा कि ये गांव लौटना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि राशन इनको मिले या ना मिले, ये गांव लौटना चाहते ही चाहते हैं। तो क्या वजह है कि गांव लौटना चाहते हैं आप? हम यहाँ अकेले हैं। वजह यह है कि अकेले पेट हमारे यहाँ किसी तरह गुजारा कर लेंगे? हमारे पीछे दो चार परिवार है, वो रोटी बगैर वहाँ पे मर रहे हैं। अगर वहाँ जाने पर हम लोग मतलब जो भी होगा एक साथ जो गुजारेंगे, जो खाना मिले या ना मिले। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कि खाना मिले या ना मिले, हम और भी लोगों से जानेंगे। आप इधर आइएगा, तो आगे आइएगा। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, ये बताओ कन्हैया जी, वापस गांव क्यों लौटना चाहते हैं? मैं वापस गांव लौटना चाहते हैं कि यार हमारे को पैसा खाने में का नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए घर परिवार उधर ही है। क्या काम करते थे आप? लेबर का काम करते हैं। चलिए, लेबर का काम करते हैं, जैसा कि मजदूरी काम करते हैं। हम एक बच्चे से पूछते हैं शायद, कितनी उम्र है आपकी और नाम क्या है? 13 वर्ष उम्र है, मनीष कुमार नाम है। क्या काम करते थे यहाँ पे? टाल सीख रहे। तो अभी तो आप नाबालिग है फिलहाल, आप गांव लौटना चाहते हैं। मम्मी पापा की याद आ रही है या भूख सता रही है? भूख सता रही है। भूख सता रही है, तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा भूख सता रही है। जैसा कि हम बताऊं, ये छोटा सा कमरे में ये कई लोग यहाँ पे रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। ये लाइव तस्वीरें लाइव अमृतसर पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई ऐसे परिवार रहते हैं जो यूपी बिहार के रहने वाले हैं और गाँव लौटना चाहते हैं। तो हम दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। तो गाँव लौटना चाहते हैं आप? हम लोग गाँव जाना चाहते हैं। अच्छा, वजह कि यहाँ पे कोई राशन पानी मिल नहीं रहा, ऐसे बैठे हुए। तो आज आपने अपना आधार कार्ड नंबर सब दिया है? हाँ, दिया है रिंकप प्रधान को। तो क्या बोला प्रधान ने? बोले कि परसों गाड़ी जाएगी। परसों गाड़ी जाएगी जी। तो कहाँ तक गाड़ी जाएगी? बिहार तक। बिहार तक गाड़ी जाएगी। तो ये बेहाल हो चुके हैं भूख से, जैसा कि हम और लोगों से बात करें। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, ये बताओ कि गांव लौटना चाहते हो भूख के चलते या और कोई कारण है? नहीं, भूख तो चलते, राशन नहीं मिल रहा है इधर, इसलिए राशन नहीं मिल रहा है। नहीं। तो सबसे बड़ी बात है राशन नहीं मिल रहा है, जैसा कि हम दिखा सकते हैं। ये इनका चौका चूल्हा है, और जहाँ पे इनके देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। हम ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं ना, हम किसी की कहीं सुनी बताते हैं, हम वही दिखाते हैं जो सच है। तो सबसे बड़ी बात है कि गाँव लौटने के लिए इनके लिए 3 दिन बाद स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है, जैसा कि यहाँ के पार्षद ने हमें बताया। और ये लोग आज अपना आधार कार्ड भी दे आए हैं, और ये गाँव लौटना चाहते भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम नहीं गाँव लौटना चाहते अगर हमें यहाँ राशन मिले तो। उनको कुछ ऐसे भी हैं जो अभी बालिग हैं, बालिक भी नहीं है और नाबालिक है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें मम्मी पापा की याद नहीं आ रही लेकिन भूख सता रही है। तो सबसे बड़ी बात कि गांव लौटना क्यों चाहते हैं ये लोग? अगर गांव लौटना चाहते हैं, स्पेशल ट्रेनें इनके 3 दिन बाद अगर चलने वाली है, तो आज ये आधार कार्ड नंबर अपना दे आए हैं, अपना नाम पता लिखा आए हैं, लेकिन बेहाल हैं ये बिहार के लोग केवल एक बात को लेकर, वो है भूख। तो अगर इनको राशन मिले और लॉकडाउन 3 मई के बाद अगर ख़त्म हो जाए तो ये गांव नहीं लौटेंगे, कुछ लोगों का ये भी कहना है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हम अकेले हैं और भूखे पेट कितने दिन हमारा गुजारा हो। तो ये लाइव तस्वीरें थी लाइव अमृतसर पर, देखते रहें आप लाइव अमृतसर। जय हिंद, जय भारत। तो वार्ड नंबर 18 के पार्षद, जिस तरह रिंका जी ने हमें बताया कि ट्रेन 3 दिन बाद चलने वाली है, उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन ये बताई कि हम उनको विजयनगर पुलिस चौकी वालों ने बताया। तो जैसा कि उन्होंने 500 लोगों के नाम पते नोट किए हैं और ट्रेन चलने की ये बात कही है, तो हम उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद के प्रवक्ता से जानते हैं कि उनके पास ऐसी कोई सूचना है। हमारे साथ हैं रामभवन गोस्वामी जी। तो रामभवन गोस्वामी जी, आपके पास कोई जानकारी है ऐसी कि ट्रेन चलने वाली 3 दिन बाद? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमें जब ये पता लगा कि पार्षद रिंका जी ऐसे कोई लिस्ट इकट्ठा कर रहे हैं लोगों की, तो हमने उस भी यहाँ पे रेलवे से जानकारी करने की कोशिश की अफसरों से, तो वहाँ से पता लगा नहीं हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ऐसी ट्रेन कोई चलने वाली है अभी। इसके बाद हमने एरिया के आईपीएस सुदर्शन राणा जी से बात किया, उन्होंने कहा प्रशासन ने मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, ना ऐसा कोई डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन चलनी है या नहीं चलनी है, ये तो अधर में है। लेकिन जिस तरह ये पार्षद रिंका ने बड़े बताया हमें कि हमने 500 लोगों की लिस्ट भी बना ली है, 100-150 लोगों की कल बनाएंगे, तो ट्रेन यहाँ से स्पेशल चलेगी 3 दिन बाद। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी बातचीत हमने दिखाई, किस तरह वो गाँव जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते। तो सबसे बड़ी बात कि ट्रेन चलेगी या नहीं, अफवाह तो नहीं? अगर ऐसी अफवाह है तो अफवाह मत फैलाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर ट्रेन चलाने या ना चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, रेल मंत्रालय की है, तो मैं समझता हूं कि अगर ट्रेन चलती है तो कहीं ना कहीं टीवी द्वारा, न्यूज़ द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, ये ऐसा ये कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यही सही भी है, लेकिन ऐसी अफवाह ना हो तो मैं समझता हूं, जैसा रिंका ने बताया, इलाके का पार्षद ने 18 नंबर वार्ड में बताया और वहां पे सैकड़ों की भीड़ लग गई, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गांव जाने की बेचैनी भी है। पर बेचैनी सबसे बड़ी बात
भूख की है। जैसा कि आपको मैंने लाइव तस्वीरें लाइव अमृतसर पर दिखाई और बताया कि ज़्यादातर लोग जो गाँव से बिहार के लोग हैं वो बेहाल हैं, तो वो भूख से बेहाल हैं और भूख उन्हें सता रही है, इसलिए वो गाँव जहाँ लौटना चाहते हैं। देखिए सच्चाई क्या है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहे लाइव अमृतसर। जय हिंद जय भारत। तो ट्रेन चलेगी या नहीं, जैसा कि हम इलाके के काउंसलर 18 मरवाड़ के काउंसलर ने हमें बताया और इनका नाम लिया विजयनगर चौकी प्रभारी का, तो हम सीधे उन्हीं से जानेंगे। सर, ऐसा कोई फरमान जारी हुआ है, आपने कोई जारी किया है गुरजीत सिंह जी आपने? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे सीनियर से एक रिपोर्ट मांगी है, अगर कोई ऐसा जाना चाहता है उनकी लिस्ट तैयार कर लो, और कुछ नहीं हुआ। ट्रेन चलेगी, कोई ट्रेन की कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ना हमने किसी को बोला है। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं संदेश देने में गड़बड़ी हो गई है या संदेश पाने में गड़बड़ी हो गई, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो जाना चाहता है वो अपने नाम पते लिखा दे, फिलहाल ट्रेन 3 दिन बाद चलेगी, ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ, जैसा कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है लाइव अमृतसर के कैमरे के सामने। तो आप अफवाह से बचे, अगर ट्रेन चलनी होगी तो आधिकारिक तौर पर सूचना जरूर दी जाएगी। तो आप देख रहे थे लाइव अमृतसर। जय हिंद जय भारत। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।